हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योगिता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप जो घर में आटा गूंदते हैं चपाती के लिए, वो बच जाता है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इजी मेथड आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो काफ़ी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सबसे इजी वाला आपको बताऊंगी। इसके लिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये आटा जो बचा हुआ था इसको निकाल लिया है, और इस आटे को थोड़ा टाइट बनाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए मैं अब इसमें थोड़ा इंग्रेडिएंट जो यूज़ कर रही हूँ वो बताने वाली हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच सूजी के। सूजी डालने से फ्रेंड्स इसमें क्रिस्पीनेस आएगी, इसलिए मैंने इसमें सूजी ऐड किया है। और सूजी के साथ ही अब इसमें मैं अजवाइन है ये, इस अजवाइन को मैं 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स, नमक डालने से थोड़ा ये नमकीन टेस्ट देगा, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली नमक यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं इसमें 2 चम्मच घी के डालूँगी। घी डालने से ये क्रिस्पी के साथ साथ सॉफ्ट भी बनेंगे। घी डालना ज़रूरी है, आप घी की जगह रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसका एक टाइट डो बना लूँगी। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मलेंगे, जिससे ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपस में मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैं इसको काफ़ी अच्छे से मलने के बाद पूरा एक मिक्सचर डो बना लूँगी। अगर आपको ये लगे कि ये थोड़ा सा लूज़ है तो आप इसमें सूखा आटा और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करीबन 2-3 चम्मच सूखा आटा ऐड किया है, जिससे ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। और इसको अच्छे से मसलने के बाद मैं इसका एक टाइट डो बना लूँगी। और टाइट डो बनाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा और घी ऐड करूँगी, जिससे ये मुलायम और चिकना हो जाएगा। देखिए, इस तरह का हो जाने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, जिससे सूजी फूल जाएगी और सूजी भी उसमें मिक्स हो जाएगी। अब 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट होने के बाद अब मैं इसको निकाल लूंगी। इधर फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। मैंने ऑयल के नीचे जो गैस यूज़ किया है वो मीडियम हाई फ्लेम पे यूज़ किया है। अब जो मैंने आटा गूंदा है फ्रेंड्स, इसके मैं बराबर 3 हिस्से कर लूँगी। 3 हिस्से करने के बाद, क्योंकि इसके बराबर हिस्से करने के बराबर बनाएंगे तो हमारे सारे एक जैसे बनेंगे, इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में बराबर बांट लिया है। अब इसको हम एक चपाती की तरह रोल करेंगे। इसके लिए मैंने चकले के ऊपर फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने से ये इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। जैसे हम पूरी को बेलते हैं उसी तरह से घी लगा करके, रिफाइंड लगा करके मैंने इसमें चकले पर रिफाइंड लगाया है। और रिफाइंड लगा के अब हम इसे पूरी की तरह बेलेंगे, लेकिन पूरी थोड़ा छोटे साइज़ में होती है, इसको हमें थोड़ा बड़े साइज़ में बेलना है। चपाती से थोड़ा बड़ा बेलना है, ताकि इसकी अच्छे से हम जो भी बनाना चाहते हैं नमकीन वो बना सकें। इसको फ्रेंड्स मैंने पूरा एक थिकनेस से बेल लिया है। इसकी थिकनेस फ्रेंड्स इतनी होनी चाहिए जो ये थोड़ा सा मतलब मोटा रहे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, मीडियम इसकी थिकनेस रहे। और अब इसको बेलने के बाद मैं इसके बराबर बराबर लंबे स्ट्रिप्स काट लूँगी। करीबन जितने आप पतले बनाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको। मैंने पतले पतले यहाँ पे स्ट्रिप्स बना लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं, आपको जितना साइज चाहिए। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। और इसको बनाने के बाद इसको काट लेंगे बराबर बराबर हिस्सों में, और फोक से इसमें थोड़े से निशान बना देंगे, ताकि ये फूले ना और क्रिस्पी बने। अब मेरा जो ऑयल था वो गर्म हो चुका है, मैं इसको चेक कर लूँगी थोड़ा सा आटा डाल के। अगर आटा ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो ऑयल है वो पूरी तरह से प्रॉपर गर्म हो गया है। ज़्यादा तेज़ गर्म फ्रेंड्स यहाँ पे ऑयल नहीं चाहिए, नहीं तो ये इसमें जाते ही जल जाएंगे। मीडियम हीट है इस पे, और मीडियम हीट पे अब हम इसको सबको डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको एक साथ ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये चिपकेंगे नहीं, लग रहा है अभी कि ये चिपक जाएंगे, लेकिन इसको मैं ईजी वे में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको एक साथ सारे डाल दिए हैं, जिससे हमारे को टाइम कम लगे और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए।
फ्रेंड्स, ये जो आटा जो हमारा बचा हुआ होता है उसको हम अच्छे तरह से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इससे हमें स्टोर कर सकते हैं आटे को। फ्रेंड्स, वैसे तो हम बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देते हैं, उसके नेक्स्ट डे रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन उससे आटा हमारा काला पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है फ्रेंड्स कि हमें कहीं बाहर जाना होता है और हम आटे को स्टोर करके नहीं रख सकते, उस समय हमारे को ये रेसिपी बना लेंगे तो हम सफ़र में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और हमारा आटा जो है वो वेस्ट होने से भी बच जाएगा। तो ये सबसे इजी और सबसे आसान अच्छा मेथड है, जो कि मुझे ये लगता है कि इसमें आपको कुछ ना चाशनी बनानी है ना कोई और प्रिपरेशन करने, जब आपका मन करे आप इसको इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसको 5 मिनट मीडियम हीट पे फ्राई किया है, उसके बाद ये फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं और अब मैंने इसको निकाल लिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये इस तरह से बनेंगे और खाने में बिल्कुल आपको जैसे हम मैदा से बनाते हैं वैसे ही आपको टेस्ट आएगा, टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे कहने से इसको ज़रूर ट्राई करिए, ट्राई करेंगे आपको, इतनी इजी है आप बार बार बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगा है तो इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और देखिए इसको बना करके आपको कैसा लगता है, और उसके लिए मुझे कमेंट करना ज़रूर भूलना मत। ओके, बाय।